मस्तिष्क की सर्जरी में रोबोटिक ड्रिल की क्या भूमिका है? क्या आप जानते हैं कि चिकित्सा वैज्ञानिकों ने अनेक गंभीर रोगों पर तो काबू पा लिया है, परंतु मस्तिष्क की सर्जरी जैसी कई प्रक्रियाएं अभी भी जटिल बनी हुई हैं। मस्तिष्क की सर्जरी में सटीकता और गति लाने के लिए उटा विश्वविद्यालय, जो अमेरिका में स्थित है, उसके वैज्ञानिकों ने ऐसी रोबोटिक ड्रिल का विकास किया है जिससे घंटों तक चलने वाली सर्जरी को मिनटों में पूरा किया जा सकता है, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक उपलब्धि होगी। मस्तिष्क की सर्जरी के दौरान सबसे जटिल प्रक्रिया होती है व्यक्ति के सिर की हड्डी यानी खोपड़ी को सुराख बनाने की। इसमें अभी तक 2 घंटे का वक्त लगता है। सुराख बनाने के लिए न्यूरोसर्जन फिलहाल हैंड ड्रिल मशीन का प्रयोग करते रहते हैं। हालांकि इसमें खतरा भी कम नहीं होता है। मरीजों के मस्तिष्क का सीटी स्कैन भी किया जाता है सिर की हड्डियों और नसों की सटीक स्थिति का पता लगाने के लिए। सॉफ्टवेयर के माध्यम से न्यूनतम कद के जरिए खोपड़ी के सुराख कर सर्जरी को अंजाम दिया जाता है, जो बहुत ही जटिल और कठिन होता है और समय भी उसमें ज्यादा लगता है। अब सुराख बनाते वक्त काफी सतर्क रहना पड़ेगा। मस्तिष्क की बेहद अहम नसों और धमनियां खोपड़ियों को सटी होती है। यदि इन्हें क्षति पहुंच जाए तो व्यक्ति को लकवा मार सकता है या फिर उसकी मौत भी हो सकती है। इसी से निदान पाने के लिए सुराख बनाने का काम उतनी ही बारीकी से किया जाता है जितनी बारीकी से हीरा तराशा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिकों ने इसका निदान खोजने का भरसक प्रयास किया है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसे रोबोटिक ड्रिल बना ली है जो बेहद सफाई से खोपड़ी में सुराख कर देगी। प्रक्रिया के दौरान ड्रिल जैसे ही मस्तिष्क की नसों के पास पहुंचती है, यह खुद व खुद बंद हो जाती है। केवल 2.5 मिनट ही ऑपरेशन के लिए मरीज के सिर में छोटा सा सुराख किया जाता है और पूरी प्रक्रिया के अनुसार एक स्पष्ट रूप से और एक बहुत ही सतर्कता के साथ सफल ऑपरेशन को अंजाम दे दिया जाता है।